हिंदी पंचांग के अनुसार सावन मास चल रहा है। इस मास में पड़ने वाले सभी पर्व का बेहद महत्व है। एकादशी प्रत्येक मास में दो बार आती है। एकादशी के दिन हम पितरों को जल अर्पण करते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इसकी कथा सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। आइए आपको बताते हैं कि इसकी व्रत कथा क्या है। भृदावतीपुरी नामक नगर में सुकेतुमान नामक राजा राज करता था। संतान न होने की वजह से वैभवशाली राजा सुकेतु मान और रानी बहुत दुखी रहते थे। राजा रानी को चिंता थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा, उनके पितरों को श्राद्ध कौन देगा, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। बीते समय के साथ एक दिन राजा जंगल की तरफ शिकार के लिए गए। वहां अचानक बहुत तेज उन्हें प्यास लगी। पानी का तालाब देखकर राजा उसके समीप पहुंचे, जहां पर तालाब के समीप ही उन्हें आश्रम दिखाई दिया। पानी पीकर राजा ऋषियों से मिलने आश्रम चले गए। ऋषि मुनि उस टाइम पर पूजा कर रहे थे। राजा ने उत्सुकता में ऋषियों से पूजा पाठ के उस विशेष विधि को जानना चाहा। ऋषियों ने राजा को बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत और पूजा पाठ करता है उसे संतान प्राप्ति होती है। राजा ने मन ही मन पुत्रा एकादशी व्रत रखने का प्रण लिया। वापस लौटकर उन्होंने रानी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। पूरे विधि विधान से विष्णु के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा पाठ की। राजा सुकेतु मान ने द्वादशी को पारण किया। पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से कुछ महीनों बाद पुत्र रतन की प्राप्ति हुई।